गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम वाटर कलर में ट्री कैसे कलर करते हैं वो पढ़ने वाले। तो हमारे पास है वाटर कलर्स, यहाँ पे आर्टिस्ट वाटर कलर्स, और ये दो स्केचेस बनाए हैं अलग अलग। तो अलग अलग कलर से हम अलग अलग ट्री स्टडी करेंगे। यहाँ पे सन इसलिए निकाला है क्योंकि लाइट कहाँ से लेनी है और शाडो किधर जाने वाला है वो स्टडी करने के लिए हमारे पास वाटर कलर निकाल के रखे। सिंथेटिक ब्रश है और पानी है। चलो हम स्टार्ट करते हैं वाटर कलर में। स्टार्ट में हम येलो से स्टार्ट करेंगे जो कि लाइट पोर्शन आएगा। हर पार्ट की ऊपर वाली साइड लाइट रहेगी क्योंकि वहां पे सनलाइट ज्यादा आता है। पेड़ में कुछ डालियाँ आगे रहती है, कुछ डालियाँ पीछे रहती है, तो उसका भी स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ये हाईलाइट का पोर्शन हो गया। अभी इसमें थोड़ा सा ग्रीन मिक्स करेंगे ताकि थोड़ा लाइट हो जाए और थोड़ा सा डार्क। अच्छे से मिक्स करके लेना वाटर कलर में। बाद में ये जो नीचे का पोर्शन है उसको कलर करेंगे। वाटर कलर में ब्रश पेपर पे घिसना नहीं चाहिए, सिर्फ कलर छोड़ना है। ये जो पोर्शन है वो पीछे की साइड से आएगा इसलिए पूरा डार्क रहेगा ये। तो इसमें डार्क हम बढ़ाते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। सन ये साइड पे है इसलिए ये साइड पे पूरा डार्क लेंगे हम, मिडल टोन और डार्क।
ये उससे डार्क आएगा क्योंकि ये लास्ट की तरफ है ये साइड के। ये नीचे वाला साइड डार्क आएगा। ये पीछे की साइड है इसलिए डार्क आएगा। थोड़ा सा लाइट बढ़ाएंगे येलो मिक्स करके। यहाँ पे ये पोर्शन ये, क्योंकि ये इधर सन के ज़्यादा नज़दीक है, इसको थोड़ा लाइट, इसको भी लाइट। थोड़ा सा डार्क बढ़ा रहे, बहुत लाइट हो गए वो सूखने के बाद। सबसे नीचे वाला पोर्शन अभी डार्क लेंगे थोड़ा और। ये डार्क मिडल डार्क है, इसमें कोई ब्लू मिक्स करके कोई डार्क टोन नहीं बनाया, मिडल टोन है प्योर। तो अभी जो ब्रांचेस पीछे है उनको थोड़ा थोड़ा डार्क करते जाएंगे हम। शादी बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, थोड़ा पानी मिक्स करेंगे पतला करके, उसको थोड़ा सा मर्ज करेंगे। ये पोर्शन भी थोड़ा मर्ज कर लिया। अभी ये पोर्शन है, ये नीचे वाला पोर्शन है इसके, इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा डार्क। अभी बनाएंगे इसके ब्रांचेस।
बीच बीच में ब्रांचेस दिखते हैं, इसलिए ये ब्रांचेस है। हमने लाइट ब्राउन लिया इसके लिए। उसके बाद उसको थोड़ा सूखने देंगे और थोड़ा सा गार्डन बनाएंगे हम नीचे वाला सजेशन के लिए, क्योंकि वो पेड़ ज़मीन पे है, नहीं तो फिर ऐसे ही हवा में दिखेगा, इसलिए उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे। येलो ग्रीन कुछ पत्थर निकाले उसमें, उस पर्सपेक्टिव के लिए थोड़ा सा लाइंस खींचे जमीन ऊपर नीचे करके। इसके बाद पत्थर को भी थोड़ा थोड़ा ब्राउन देंगे, जैसे कि वो लाल मिट्टी वाले पत्थर रहते हैं। इसलिए थोड़ा ब्राउन। अभी हम उसके आई थिंक ट्रंक्स को थोड़ा डार्क करेंगे, उसमें लेंगे ब्रंट अम्बर। ये ब्रंट अम्बर है, ये ब्राउन है, तो उसको थोड़ा हम डार्क करेंगे डालियों को। शायद ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो हम इसको थोड़ा खींच लेंगे दूसरे ब्रश से। एक्चुअली छोटे काम के लिए छोटा ब्रश यूज करना चाहिए। टेक्चर देते देते सूरज ये साइड से है, इसलिए ये साइड में डार्क आएगा। थोड़ा सा इसमें ये पत्थरों में थोड़ा सा डार्क ये साइड से, इधर भी। बैकग्राउंड एकदम प्लेन दिख रहा है, इसलिए थोड़ा सा ग्रीन मिक्स करेंगे बीच बीच में। जो ग्रास है आगे वाली उसको थोड़ा सा ग्रीन करेंगे और
नहीं मैम, थोड़ा सा बच्चों को आसान जानना चाहिए ना मैम, तो वीडियो बना रहा हूँ उनके लिए। अच्छा, वाटर कलर। वाटर कलर्स? हाँ। आपने वो लेके गए क्या बाहर? कौन सा? और थोड़े डार्क स्टोन मिक्स करेंगे इसमें, उसके लिए ब्लू और थोड़ा ग्रीन। सिर्फ जो लास्ट के जो पत्ते रहते हैं वो सजेस्ट करना है, क्योंकि उसको थोड़ा सा पेड़ का लुक आएगा। ये दोनों मिक्स हो गए, तो अभी पीछे का जो पार्ट है उसको हम डार्क करेंगे, तो ये आगे का पोर्शन उभर के आएगा। पेड़ में बहुत सारे कलर रहते लेकिन हम सिंपल कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ ग्रीन और ब्लू ब्राउन यही कलर मिक्स करके ट्री बनाएंगे। ये भी पीछे की साइड है, थोड़ा डार्क करेंगे इसको भी। ये नीचे वाली साइड डार्क करेंगे। सेम इसको भी। उसके ट्रंक्स को थोड़ा और डार्क करेंगे। इसे स्ट्रोक्स में लो थोड़ा। डार्क वाली साइड से
नीचे की साइड डार्क रहेगी। इसके बाद पत्थर, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा टेक्सचर, ग्रास को थोड़ा सा डार्क, थोड़ा टेक्सचर, ये हो गया हमारा ट्री वाटर कलर में। देखो लाइट मिडल डार्क टोन आ गए इसमें। तो अगला ट्री हम दूसरे कलर से स्टडी करेंगे।